हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय वन अनदर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? होप करते होंगे बढ़िया ही होंगे आप सब लोग। सभी मैं उठी हूँ, आज 6:30 के आसपास उठी हूँ। सबसे पहले करते हैं हेयर वॉश, क्योंकि कॉलेज भी जाना है और कॉलेज के लिए रेडी भी होना है, इस वजह से सबसे पहले हेयर वॉश करेंगे। तो मैं बस अभी घर आई थी सुबह। आप सोचोगे मैंने ब्लॉग क्यों नहीं बनाया था, क्योंकि मैं लेट हो रही, इसलिए मैं रेडी होकर सीधा कॉलेज के लिए निकल गई थी। बस अभी मैं घर पर आई हूँ और फटाफट अब खाना खाते हैं, क्योंकि भूख लग रही है। मम्मी ने आज बनाया आलू पूड़ी खीर, फटाफट खाते हैं। और मेरा आई कार्ड कल गुम हो गया था, मतलब पी मिल चुका है, थैंक गॉड। चलो फटाफट खाना खाते हैं, फिर थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। तो मम्मी बस अभी खाना लेके आए हैं, इसे खाते हैं फटाफट और फिर थोड़ी देर सोएंगे। इतना सब मैं खा नहीं पाऊंगी, मम्मी ज़्यादा ले आए हैं। मैंने खाना खा लिया, मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी। तो बस मैं अभी सो के उठी थी और कन्नू ने बनाया चिप्स, जो मतलब वो येलो वाले पैकेट में चिप्स नहीं आते हल्दीराम के, वैसा ही टेस्ट कन्नू घर पे ले आती है। बहुत अच्छे चिप्स बनाती है कन्नू। क्या हो गया? ये देखो गाइस, ये बनाया कन्नू ने चिप्स, इसे खाते हैं, फिर उसके बाद मम्मी डैडी और कन्नू के लिए चाय बनाते हैं और अपने लिए कोल्ड कॉफ़ी बनाते हैं। तो बस अभी डैडी आए हैं, फटाफट चाय बनाते हैं। बनाऊं चाय साथ में? क्या खाओगे? ओके बस अभी चाय बनाई है मम्मी डैडी और कन्नू के लिए। मम्मी डैडी और कन्नू को मैं दे आई हूँ चाय, और कोल्ड कॉफ़ी मैं थोड़ी देर बाद पीऊँगी अपने, बाद में बना के। तो बस अभी मम्मी डैडी और कन्नू को चाय बना के दी थी और यहाँ पर आ चुकी है बारिश। बहुत बढ़िया मौसम हो चुका है, ऐसे मौसम रहे ना। बस उधर बैठ के मैं सोचू कि ना पढ़ा लेती हूँ, क्योंकि कल है टेस्ट मेरे कॉलेज में, तो थोड़ी देर बैठ कर पढ़ लेते हैं। या फिर अब नहीं पढ़ी तो फिर सुबह उठ कर पढ़ूंगी। सुबह कभी कभी मिस्ता ऐसा होता है कि मेरी आँख नहीं खुलती, इससे थोड़ा अब पढ़ लेती हूँ, थोड़ा सुबह उठ के पढ़ लूँगी, ऐसा कर लेती हूँ। मैंने अभी पढ़ के बुक साइड में रखी है और अब मेरे को भूख लग रही है। कॉफ़ी मैंने पी नहीं, क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा था फिर बनाने का, पीने का था पर बनाने का नहीं था, इसलिए नहीं पी मैंने। तो अब थोड़ा बहुत कुछ खाते पीते हैं और फिर सोएंगे, क्योंकि टाइम हो रहा है। मेरा ब्लॉग नहीं बना पाई मैं, क्योंकि सुबह उनको टेंशन होगी मेरे आई कार्ड कहाँ गया। चलो कोई बात नहीं, ये ब्लॉग ना 2 दिन का आएगा एक ही ब्लॉग में, क्योंकि आज मैंने ब्लॉग बनाया नहीं और कल का भी ब्लॉग इसी में ऐड करूँगी मैं, ये सही रहेगा ना। और अगर आप कोई चैलेंज वीडियो हमारी देखना चाहते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताओ कि हम कौन सी चैलेंज वीडियो बनाएं। बस इतना ही कहना था। तो मैंने डिनर बनाया, इसे फटाफट खाते हैं और फिर सोएंगे, क्योंकि नींद भी आ रही है मुझे। The next day. हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय वन अनदर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? होप करते होंगे बढ़िया होंगे आप सब लोग। तो बस मैं अभी उठी हूँ 5:30 के आसपास, तो देर में पढ़ने बैठूँगी और देखे फिर पॉलिश कर रेडी होंगी। चलो पहले पढ़ने बैठ जाते हैं, उसके बाद पॉलिश कर रेडी होंगे। तो बस ना अभी 6 बजे हैं और बारिश आ चुकी है अच्छी वाली, तो बढ़िया बारिश हो रही है। तो मैं बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि एक तो लोग लगा हुआ है ऊपर से, हमारे आस पास एक साथ मिल रहा था हमारे घर के आस पास, इस वजह से मैं बाहर नहीं जा रही। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर बारिश आ रही है और अब बज चुके हैं 8:20 और अभी तक बारिश नहीं रुकी है और लाइट भी गई हुई है, तो मैं कपड़े भी प्रेस नहीं कर पा रही कॉलेज की। आज शायद कॉलेज की छुट्टी करनी पड़ेगी मुझे, क्योंकि कपड़े भी प्रेस नहीं कर पा रही मैं कॉलेज का और बारिश भी बहुत ज़्यादा तेज़ आ रही है बाहर, इस वजह से। बाकी देखते हैं, 5 मिनट और वेट करते हैं, अगर बारिश नहीं रुकी और लाइट नहीं आई फिर छुट्टी करनी पड़ेगी मुझे।
मैं आज कॉलेज नहीं गई क्योंकि अभी भी बारिश ही आ रही है, और बस अब एक मैंने खाना खाया है और अब बुआ की वीडियो कॉल आई है, पहले बुआ से बात करते हैं। हेलो बुआ। तो बस डैडी अभी घर पर आए हैं और बस अब हम खाना खा रहे हैं। मम्मी पहले दाल बना रहे थे, दाल खाने का मेरा मन नहीं था, इसलिए मैंने कहा मम्मी को कि ना नमकीन दलिया बना लो, इसलिए मम्मी ने अब नमकीन दलिया बनाया, इसलिए फटाफट खाते हैं। तो बस अभी कन्नू और शान भी घर पर आए हैं स्कूल से, तो आते पूछ रहे हैं दीदी नहीं गई, बट अभी ने कौन बताई, इतनी तेज बारिश आई थी कैसे जा सकती थी, यदि इनकी बस यहीं पर आती है तो ये चले जाते हैं। मेरी बस भी अगर इधर आ रही होती तो मैं भी चली जाती, फिर बस आती है कहीं और, इस वजह से मैं नहीं जा पाई। बस फिर जब कन्नू और आए तो उसके बाद मैं थोड़ी देर पढ़ने बैठ गई थी, और अब मैं सोच थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, सो जाती हूँ थोड़ी देर, बस थोड़े सोते हैं, फिर उठ के अपने लिए कॉफ़ी बनाएंगे और डैडी के लिए, मम्मी के लिए और कन्नू के लिए चाय बनाएंगे, तब थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं। बस मैं अभी उठी हूँ सोकर, डैडी ने उठाया मुझे वहाँ का, तो बस अब फटाफट चाय बनाते हैं डैडी मम्मी कन्नू के लिए और कॉफ़ी बनाते हैं अपने लिए। तो बस अभी बनाइए कॉफ़ी, से फटाफट पीते हैं। और मैंने ना बहुत दिनों बाद कॉफ़ी पी है, मतलब बहुत दिनों से क्या 3-4 दिनों को मैंने कॉफ़ी नहीं पी थी, क्योंकि मैं कम करने की ट्राई कर रही हूँ। बस अभी मैंने अपनी कॉफ़ी ख़त्म करी है और अब क्या करूँ। तो मम्मी डैडी गए हैं मार्केट, मम्मी अपनी ड्रेस लेने गए, मेरी ड्रेस मिलेगी कल, तो मैं बोर हो रही थी इसलिए मैंने सोचा थोड़ी देर ना घूम लेते हैं। बाहर तो मैं घूम नहीं सकती क्योंकि कल मैंने आपको रीज़न बताया था, क्योंकि हम बाहर क्यों नहीं निकल रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि ना अपने ब्रांडे में ही घूम लेते हैं, इसलिए फिर मैं ब्रांडे में आई थी कि थोड़ी देर घूम लेते हैं। मम्मी डैडी अभी आए हैं घर पर, और मम्मी जो मतलब अपनी ड्रेस थी ना वो ड्राई क्लीन करवाने के लिए देने गए हैं, तो मम्मी लेके आए हैं फिंगर्स एंड स्प्रिंग रोल। तो मम्मी जो फास्ट फूड लेके आई थी बस वो खाया था, और बस अब सो रही हूँ कि नींद आ रही है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग, होप करती हूँ कि आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो जल्दी जल्दी लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। बाय बाय, गुड नाइट।